सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। मैंने इंस्टा पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आप चाहें तो इसको भी फॉलो करके जो रोज़ की नई अपडेटेड वीडियोस हैं उनको आप यहां पर भी देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। आज ये ली गई है गणित विषय से और इसमें हम प्राप्त करेंगे संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी तो हमने पिछली बार भी प्राप्त की थी, आज हम इनमें तुलना पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि अगर दो संख्याएं हमारे सामने हों तो उनमें कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी। ये तो है बात की बात, लेकिन तुलना तो हम रोज़ ही करते हैं, अपने घरों में सब तुलना करते हैं। कैसे करते हैं अब आप बताओ। जैसे आपके घर में भाई हैं, बहन हैं, आपके भाई या बहन हैं, तो आप ये देखते रहते हो ना कि भाई तेरी हाइट ज़्यादा ऊंची हो रही है या मेरी हाइट ज़्यादा ऊंची हो रही है। ये भी छोड़ो, जब घर में कोई चीज़ आती है, हंसना मत, जैसे मान लो कोई मिठाई आई तो आप क्या कहोगे, ये भाई ये बड़ा वाला पीस तो मैं लूँगा। तो वहाँ पर भी तो तुलना हुई, बड़े और छोटे की तुलना। तो ऐसी तुलनाएँ तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन संख्याओं में तुलना करना सीखना, ये भी हमें आना चाहिए कि मान लीजिए दो संख्याएं। अब हमें ये पता है कि अगर 7 लिखा है और 9 लिखा है तो हम सब कह देंगे भाई 9 बड़ा है और 7 छोटा है। लेकिन जब ये दो अंकों की संख्या भी हम कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती जाती हैं 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, वहाँ पर हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे कि अगर हमारे सामने कितने भी अंकों की संख्या क्यों ना हो, हम तुरंत बता दें कि इनमें से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी, क्या ये सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में हम सीखें। अब आपके सामने यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, जैसे कि आप अपने घर में करते हो। यहाँ पर भी 3 बच्चे दे रखे हैं और तीनों में आपको बताना है कि इन तीनों बच्चों में किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, और इनके नाम भी लिखे। एक का नाम अजय है, एक का नाम विजय और एक का नाम राजेश। और ये भी बताना है कि इन तीनों बच्चों में किसकी ऊंचाई सबसे कम है। तो आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? हाँ, जब हम बात करेंगे कि किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि राजेश की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है और अजय की ऊंचाई सबसे कम है। तो देखा आपने किस तरह से हमने पता लगा लिया। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम पता लगाएंगे कि जब दो अंकों की, 3 अंकों की या 4 अंकों की संख्या आती है तब हम, क्योंकि ये वाली तो हम तुलना कर लेते हैं, हम अपने घर में भी करते हैं, बार बार करते हैं, रोज़ करते हैं, तो लेकिन संख्याओं की तुलना हम कैसे करें? तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। संख्याएं 2438 और 947 की तुलना करें, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। मैंने तो ये बोल दी, लेकिन हो सकता है आपको अभी हजारों में नंबर गिनती करना ना आता हो, ये भी तो हो सकता है। किसी किसी बच्चे को आता है और किसी बच्चे को नहीं भी आता, तो भी कोई बात नहीं, हम सीख तो रहे हैं। तो अगर हम इनको ऐसे पढ़ना भी नहीं आता तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो 2438 है ये तो 4 अंकों की संख्या है, 1, 2, 3, 4 अंकों की संख्या है, और ये जो 947 है ये कितने अंक हैं, 3 अंकों की संख्या है। तो अब तो हम बता सकते हैं ना कि हमें पढ़ना नहीं आता, लेकिन हम ये बता सकते हैं भाई ये तो 3 अंक हैं और ये 4 अंक हैं, तो बड़ी वाली कौन सी होगी,
चार अंकों वाली बड़ी होगी, इसलिए 2438 बड़ी संख्या है क्योंकि इसके अंक 947 से ज्यादा हैं। उसमें तीन अंक है, इसमें चार अंक है, इसलिए उत्तर क्या हुआ कि 2438 बड़ी संख्या है। तो देखो, किसी को अगर ना भी पढ़ना आए या अभी हजारों में संख्या नहीं पढ़नी आती, लेकिन फिर भी वो बता सकता है इस वाले मेथड से कि दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब एक और समस्या आएगी, क्या आएगी? देखो, पहले तो इसमें हमने यही बताया कि भाई ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी, ये हमने पता चला लिया। लेकिन एक समस्या और आ सकती है। क्या समस्या आ सकती है? कि यदि अंकों की संख्या समान हो तो, यानी देखो दोनों ही चार 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 वाली हों या दोनों ही तीन तीन अंकों वाली हो, फिर तुम कैसे पता लगाओगे कि अगर तुम्हें संख्या नहीं पढ़नी आती तो? उसके लिए हम एक और ट्रिक सीखते हैं। क्या, कैसे? देखो, यदि अंकों की संख्या समान हो, जैसे 6798 और 7852, दोनों में ही कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों ही चार अंकों की संख्याएं हैं। तो अब हम इसकी तुलना कैसे करें? तो इसकी तुलना कैसे करेंगे कि देखो, यहाँ लिखा है कि चार अंकों की संख्याओं में हजार के अंक की तुलना करेंगे। और ये बात आप भी हमेशा याद रख लो कि जब भी दोनों जो ये संख्याएं हैं ये एक समान होती हैं, तब हम इनको कैसे करेंगे? तो देखो, जब दोनों में ही बराबर अंक हैं, इसमें भी चार अंक, इसमें भी चार अंक, तो हमें क्या करना है? बाईं तरफ से, लेफ्ट हैंड की तरफ से हमें शुरू करना है। तो लेफ्ट हैंड पर लिखा है 6 सबसे पहले, और इधर लेफ्ट हैंड पे लिखा है 7, तो दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ? 7 बड़ा हुआ या 6 बड़ा हुआ? बिल्कुल सही, 7 बड़ा है 6 से। तो इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी होगी? ये वाली संख्या बड़ी होगी और ये वाली संख्या छोटी होगी। लिखा भी हुआ है ना, कि 7852 बड़ा है किससे? 6798 से। और यदि हजार का अंक समान हो तब क्या करेंगे? यानी देखो, एक उदाहरण ये भी आया, भाई ये प्रश्न तो उठता ही है, बार बार समस्याएं हमारे सामने आती हैं कि ये भी 6000 वाला चार अंकों की है, 6978 और ये 6489। अब आपको तो, मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं पढ़ना आता, हम उसकी बात कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चों को आता है, वो फटाफट कर लेंगे। तो दोनों जब चार अंक हैं तो मैंने बोला कि सबसे पहला अंक देखो, पहला अंक तो दोनों का 6 6 है, तो फिर कैसे पता लगाएं? जब अगर ये दोनों समान होते हैं तो हम इससे नेक्स्ट वाले नंबर पर, नेक्स्ट वाले अंक पर जाते हैं तो सैकड़े के स्थान की तुलना करेंगे, तो उसमें 9 है और उसमें 4 है। तो अब बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? 9 बड़ा होगा, इसलिए कौन सी संख्या बड़ी हुई? जो जिसमें दूसरे नंबर पर 9 आया हुआ है। तो ये संख्या बड़ी हुई और वो संख्या छोटी हुई, यानी 6978 बड़ा हुआ और 6489 छोटा हुआ। तो इससे हमें ये समझ में आया कि यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से अंकों की तुलना करें, और बाईं अंक वाला सबसे, बाईं तरफ वाला सबसे पहला अंक समान हो तो उससे अगले पे जाएं, वो भी समान हो तो उससे अगले पे। इस तरीके से हम अंकों की तुलना, संख्याओं की तुलना बिना पढ़े भी, बिना उनको जाने भी हम कर सकते हैं कि भाई दोनों में से बड़ी कौन सी है। आपको ये चीज़ समझ में आई? तो अब हम आगे बात करेंगे, एक और आपके लिए सरप्राइज है, वो क्या है? बूझो तो जाने। यहाँ पर आपको जो पहला प्रश्न है वो दे रखा है कि संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह लगाएं, यानी जो बड़ा है उसकी तरफ तो मुंह खुला रखना है और जो छोटा है उसकी तरफ मुंह बंद रखना है, और अगर दोनों बराबर हैं, तीनों अंक तीनों के तीनों ही बराबर हैं, तो बराबर का निशान लगाना है। तो चलिए कोशिश करें, मुझे पता है आप कर लोगे। तो जैसे पहले लिखा है तीन अंकों की है, 958, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो आप पता लगा लोगे, 568 या 568। तो देखो, अभी मैंने बताया कि सबसे पहला अंक, दोनों अंक समान हैं, दोनों संख्याएं समान हैं, तो सबसे पहला अंक 9 है और यहाँ 5 है, तो इसी से ही पता चल गया कि ये वाली संख्या बड़ी है। फिर एक चार अंकों की संख्या है दूसरे नंबर पर और दूसरी तीन अंकों की, तो ये भी पता चल रहा है कि इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है, तो ये वाली संख्या बड़ी हुई।
फिर लिखा है 509 और यहाँ 590, मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन पता चलाओ। देखो पहला अंक दोनों का समान, दूसरा अंक, अब दूसरे अंक में आई देखो दूसरा अंक इसका तो 0 है और इसका 9 है, तो 0 बड़ा होता है या 9 बड़ा होता है? 9 बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी हुई। फिर दोनों अंक तीन तीन अंकों की हैं, तो पहला अंक 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। तो देखा आपने, तीनों तीनों अंक समान है, समान है या नहीं? तो इसमें यानी ये दोनों की दोनों संख्याएं क्या हो गई? बराबर हो गई। समझ में आया? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। ये आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, और अवरोही मतलब उल्टा चलना, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो और उतरते हो ना, जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, फिर ऊपर चढ़ जाते हो, और उतरते कैसे हो? सबसे ऊपर से उतरना शुरू करते हो और धीरे 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 नीचे आ जाते हो। इसको कहते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। और यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं, आपको उसको आरोही क्रम में लिखना है और फिर अवरोही क्रम में लिखना है। तो आप इसको अपने आप करना, फिर मेरे आंसर से चेक करना, हो सकता है मैंने आंसर गलत लिखा है। मैंने आपको पता है मैं कई बार आंसर गलत लिखता हूँ जानबूझ के, और अगर सही है तो सही मुझे बताना, अगर कहीं गलती है तो मुझे गलती ज़रूर बताना। आप बताओगे तो ठीक है। चलिए, मेरे इस तरह समझाने से शायद आपको थोड़ा सा समझ जरूर आया होगा। Now that's all for this worksheet। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट्स को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।